हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो मैं वीडियो में सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप है, आप अपने फ़ोन करके आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो मैं वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लाकर ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस, सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें हमारा एक ऑप्शन है सिक्योरिटी, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। तो नीचे आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक, स्मार्ट लॉक, तो कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं, यानी कि फिंगर लॉक लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना होगा और अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देना जो आपने सेट कर रखा है। इसे डालने के बाद इसे ओके करेंगे और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग इनपुट कर देंगे और यहाँ पर आपको अपना फिंगर लगाना है। तो गाइस हम अपने फिंगर को लगाएंगे और रिमूव करेंगे। तो गाइस जब तक कि हमारा पूरा फिंगर नहीं लगता, जब तक हमें अपने फिंगर को लगाना है और रिमूव करना है इस तरीके से। तो गाइस देखिए हमारा जो फिंगर है वो पूरा लग चुका है, हर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन, तो हमें इसे डन कर देना है। तो गाइस इस तरीके से आपको दो ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। एक तो फिंगर वन, जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और ऐड ए फिंगर, जैसे कि आप अपने अपने फ़ोन में किसी दूसरे व्यक्ति का फिंगर लगाना चाहते हैं अपने घर में, तो आप अपने फ़ोन में अपने दूसरे व्यक्ति का भी फिंगर यहाँ से ऐड ए फिंगर पर जाके लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।